आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इनिशियली बार मैग्नेट यहाँ पर है और यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है इसका, और ये अलाइंड है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ इनिशियली। ठीक है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है वो कितना है, 1.5 जूल पर टेस्ला। ठीक है, और ये भी इसके साथ अलाइंड है, और बी का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो कितना है, 0.22 टेस्ला। तो अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। पहला केस है नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, दूसरा केस है ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो देखिए इनिशियली क्या है, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे पॉइंट कर रहा है एम वेक्टर। ठीक है, और एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर गिवन 1.5 जूल पर टेस्ला। तो हमें पता है कि कोई भी अगर डायपोल होता है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम लोग, तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क, उसकी वजह से क्या होता है, उस पर वर्क डन होता है। तो वर्क जितना होता है इस पर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस पर, हमें क्या करना है, इस वाली पोजीशन से 0 डिग्री वाली पोजीशन से 90 डिग्री वाली पोजीशन में लाना है जब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे अलाइंड हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 कितना है, जो अभी एंगल है इनिशियली, और फाइनली कॉस थीटा 2 हो जाएगा इसके साथ एंगल। कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इनिशियली कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे बस लिख देते हैं माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस एम बी। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं, माइनस 1.5, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो प्लस हो जाएगा। तो 1.5 टाइम्स 0.22, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.33 जूल। ठीक है, तो इतना वर्क हम करेंगे इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में रोटेट करने में। अब सेकंड पार्ट पे देखते हैं, ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हम करेंगे इस पर डायपोल को, यहाँ से इस वाली पोजिशन से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को इस डायरेक्शन में हमें अलाइन करना है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस एम बी, यही वाला फॉर्मूला वापस यूज करेंगे। कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, माइनस कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 टाइम्स 0.22 कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 1, यहाँ पे कॉस थीटा वैल्यू होती है माइनस 1, सॉरी कॉस थीटा वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स 1.5 टाइम्स 0.22 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 0.66 जूल। ठीक है, अब पूछा गया है इसके बाद, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस 1 एंड 2। तो फर्स्ट केस में क्या है, अब हमने कितना एंगल कर दिया है इसका, 90 डिग्री कर दिया है मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल विथ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर टॉर्क जो होता है ऑन द डायपोल वो कितना होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें सिर्फ। तो एम बी साइन थीटा, जो अभी थीटा है उन दोनों के बीच में एंगल वो कितना है, 90 डिग्री। तो एम बी लग रहा होगा उस पर टॉर्क, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1.5 टाइम्स 0.22, तो 0.33 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हो जाएगा टॉर्क इन केस 1, और टॉर्क इन केस 2 जब कितना है इन दोनों के बीच का एंगल, 180 डिग्री। यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में हमारा एम वेक्टर हो गया है। तो वो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी साइन कितना एंगल दोनों के बीच में, 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर टॉर्क कितना लग रहा होगा, 0 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये कौन सी स्टेट होती है इसकी, ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली केस। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है, और 0 डिग्री वाली जो स्टेट होती है वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली केस। तब यहाँ पे जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पे है, तब इस डायरेक्शन में इस पे 0 लग रहा है टॉर्क, लेकिन इससे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तब जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू, एंड आई होप लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।